नए संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार पर घमासान जारी है और इसी बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी सांसदों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष अपना रुख बदले और समारोह में शामिल हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी इसके कदमों पर झुककर संसद में प्रवेश करते हैं। मैं विपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूँ, कृपया पुनर्विचार करें और समारोह में हिस्सा लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन करेंगे, लेकिन इसको लेकर सियासी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार करने का फैसला किया। विपक्षी पार्टियां नए संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों कराने की मांग कर रही है। इस बीच नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें ये निर्देश देने की मांग की गई कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।